नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है। आज इस वीडियो में लगभग अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें जितने भी रेलवे और टेक्नीशियन में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से क्वेश्चन को कलेक्ट करके स्पेशली बनाया हुआ वीडियो दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन बैंक है एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो है एएलपी सीबीटी 2 में आप लोगों के लिए इस वीडियो से बहुत हेल्पफुल होगा। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक और भी बात बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे एएलपी सीबीटी 2 का टेक्निकल कोर्स स्टार्ट हो गया। टॉपिक वाइज देख सकते हैं, बहुत तरह के जो है टॉपिक वाइज यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली दो वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए दोस्तों। ये पार्ट वन है एंड पार्ट टू ये है, दोनों वीडियो का आप लोग को देखना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम में किसी तरह का करंट अफेयर्स की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हर किसी को फायदा हो सके। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वजन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शरीर का वजन। इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ध्रुव पर अधिकतम होती है। शरीर का वजन कहाँ अधिक होती है दोस्तों? ध्रुवों पर अधिक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हैं आरआरबी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 न्यूटन, क्योंकि आपको पता है कि 1/6 होता है चंद्रमा पर, उसका भार 1/6 हो जाएगा यानी 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो उसके वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगा? ऑप्शन की मैंने आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, चौगनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। जो दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से आप लोग भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हमें भी ये क्वेश्चन याद है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आधी हो जाएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, दो द्रव जो भार में बराबर है, देख सकते हैं दोस्तों दो द्रव्य है जो भार वेट में बराबर इक्वल है, मिलाए जाते हैं सब, दोनों को मिक्सचर किया जाता है, तो उनके घनत्व डेंसिटी रोवन एंड रोटू है, तो उसका डेंसिटी मिश्रण का डेंसिटी क्या होगा ये पूछ रहा है। देख सकते हैं इलाहाबाद आरआरबी में पूछा गया है सिग्नल मेंटेनर एग्जाम में 2006 में। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका रिलेशन 2 Rho₁ Rho₂ / Rho₁ + Rho₂ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। द वेट ऑफ ए बॉडी एट ए सेंटर ऑफ अर्थ इज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये चंडीगढ़ सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पूछा गया दोस्तों 2012 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार जो है दोस्तों 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? ऑप्शन गिवन है दोस्तों, ये देख सकते हैं सेक्शन इंजीनियर वर्ष 2012 में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन पहला ऑप्शन गिवन है दोस्तों ऑन द इक्वेटर भूमध्य रेखा पर, सेकंड ऑप्शन है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी की सतह पर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पृथ्वी के केंद्र पर, ऑन द पोल ऑफ द अर्थ पृथ्वी के ध्रुव पर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आप लोग कमेंट कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑन द पोल ऑफ द अर्थ पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार जो है वेट अधिकतम होता है।
सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्या रीजन हो सकता है दोस्तों, कमेंट कीजिए आप लोग। डीएमआरसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्ष 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्र के जल का डेंसिटी अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक साइंस में ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग में दो वीडियो अपलोड होता है, प्रत्येक वीडियो आप लोगों के लिए देखना अनिवार्य है। ठीक है, ताकि एग्जाम में किसी तरह का परेशानियां का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, इफ टू लिक्विड ऑफ द सेम मास, ध्यान दीजिएगा, दो लिक्विड है उसका मास जो है सेम है, एंड डेंसिटी डी वन एंड डी टू, डेंसिटी डी वन डी टू आर मिक्स, देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, यदि दो द्रव्यमान जिसके घनत्व डी वन डी टू है के समान द्रव्यमान मिला दिया जाए तो मिश्रण का डेंसिटी क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, टू डी वन डी टू अपॉन डी वन प्लस डी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, इन कंपेरिजन ऑफ टू द मेजरमेंट, ध्यान दीजिएगा, इन कंपेरिजन टू द मेजरमेंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दोज ऑन टॉप ऑफ मिस्टर माउंट एवरेस्ट डेमोन्स्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर ली गई माप की अपेक्षा माउंट एवरेस्ट चोटी के शीर्ष पर ली गई माप क्या प्रदर्शित करता है, सेक्शन इंजीनियर सिकंदराबाद में पूछा गया दोस्तों वर्ष 2015 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज इन वेट विथ मास रिमेनिंग द सेम, भार में कमी परंतु द्रव्यमान एक समान रहता है। दस नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, सामान्यतः किसी द्रव्य का घनत्व ताप बढ़ने पर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये कोलकाता सेक्शन में पूछा गया है दोस्तों, पीवे डिपार्टमेंट में वर्ष 2018 में, ये जो है 10 क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, घटता है, सामान्यतः किसी द्रव्य का घनत्व ताप बढ़ने पर घटता है, घनत्व डेंसिटी की बात हो रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, समान मात्रा के श्यान गाढ़े द्रव्य तथा अश्यान द्रव्य में किसका घनत्व अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, ये रेलवे ड्राइवर में पूछा गया है आरआरबी मुंबई में दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एंड डीजल ट्रेड के लिए। ठीक है, वर्ष 2001 में, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्यान द्रव का। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्या रीजन हो सकता है, करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, एक किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। एक किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये होता है 9.8 न्यूटन, याद कर लीजिएगा, आरआरबी 2002 में पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि टेम्परेचर 9 डिग्री सी से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन गिवन है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, ध्यान दीजिएगा, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भीवे लगा लीजिए, न जाने कितने बार रेलवे एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ये जो है उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आरआरबी 2004 एमपीपीएससी में पूछ दिया है वर्ष 2009 में, देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, इसमें बता देना चाहता हूं, उसका डेंसिटी अपरिवर्तित रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्या रीजन हो सकता है बोतल टूटने का,
उसका रीजन दोस्तों पानी जमने पर फैलता है। आज जो लेक्चर करवाया था दोस्तों मॉर्निंग में, उसमें इसका पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है, उसका एमसीक्यू में। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या चेंज हो सकता है दोस्तों, बता देना चाहता हूं, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये जो है बीपीएससी वर्ष 2004 यूपीपीसीएस में ही पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 19 नंबर क्वेश्चन, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, यदि पृथ्वी के चक्रों की गति बढ़ जाए तो इसके धरातल पर पड़ी हुई वस्तु क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उसका भार घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल आपको भी बन सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा अपेक्षित आर्द्रता व्यक्त की जाती है? अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला है दोस्तों वास्तविक जल वाष्प की मात्रा बटा परम आर्द्रता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 22 नंबर, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या चेंजमेंट हो सकता है? उसका भार जो है दोस्तों बढ़ जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? वस्तु का भार दोस्तों शून्य हो जाता है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु का। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही होती है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, पानी पर तेल तैरता है, क्या रीजन हो सकता है दोस्तों? पानी पे तेल तैरने का रीजन हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? उसको डेंसिटी घनत्व बोला जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मॉर्निंग लेक्चर में भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन किए थे। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जल और शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? इसी टाइप के आपको क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के आपको जरूर एग्जाम में रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है, जल और शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है दोस्तों तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 28 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान के एक कण को, ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान एम है, एक का रेखीय संवेग यदि P है, अगर रेखीय संवेग P है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगना करके उसके वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, पिंड का गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी घनत्व की सही इकाई है? घनत्व की सही इकाई दोस्तों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों? बता देना चाहता हूं, तो उसका चम्मच उपग्रह की गति के अनुसार करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है?
लाइफ जैकेट का सिद्धांत है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति को उत्तरता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सापेक्षित घनत्व का मात्रक है? सापेक्षिक घनत्व का मात्रक, डेंसिटी का मात्रक पूछ रहा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। एक पिंड का भार m तथा दूसरे पिंड का भार 2m है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का अनुपात दोस्तों 1:2 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु का भार बराबर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई द्रव्यमान का गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि एक वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है तो एक वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें ताकि हर किसी को फायदा हो सके दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड कराता हूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो मैं वीडियो बनाता हूं उसका 2 से 3 दिन के बाद टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।